वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएन क्लॉज के बारे में। यूएन क्लॉज आपको पता होगा, हम लोगों ने जो चाइना वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएन क्लॉज के तहत जो है चाइना का क्लेम इलीगल है, यूएन क्लॉज ने जो है उसे रिकग्नाइज नहीं किया है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि किस तरीके से यूएन क्लॉज जो है ग्लोबल वाटर को नेविगेट कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन ले लें। तो जो यूएन क्लॉज है उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। ठीक है, जिसको कॉमन टर्म में आप कह लीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशन भी कह सकते हैं, मतलब समुद्रों का संविधान भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस बात को निर्धारित करता है कि किस तरीके से जो विश्व का जितने भी ओशियन है उसको यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसका किस तरीके से देशों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा यूज़ कर सकता है। क्योंकि समुद्र है, समुद्र किसी एक का तो है नहीं, तो उसको बंटवारा किया जा रहा है। तो यूएन क्लॉज का काम यही है। यूएन क्लॉज को अडॉप्ट किया गया था 1982 में, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क देता है मेरीटाइम एक्टिविटीज़ का, जिसमें नेविगेशन है कि कौन कौन जहाज़ किधर किधर से गुजर सकता है। इसके अलावा रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन है कि समुद्र के भीतर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कौन देश कितना यूज़ कर सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो कैसे एम्प्लॉय किए जा सकते हैं उसको गवर्न करता है, और साथ में जो डिस्प्यूट आता है उसको भी रिजॉल्व करता है। देशों के बीच अगर कोई वाटर को, इंटरनेशनल वाटर को लेकर के या समुद्र के रिसोर्सेज को लेकर के डिस्प्यूट है तो उसको भी ये रिजॉल्व करता है। चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी का जो नीड है, जो वर्ल्ड के ओशियंस को गवर्न कर सके, वो हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे जैसे जो नेशंस हैं वो अपना जो ध्यान है अब अपनी ज़मीन के रिसोर्सेज, जो टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उससे हटा करके अपना ध्यान समुद्र के अंदर जो वास्ट रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ लगा देते। कहने का मतलब जो रिसोर्सेज उसके ज़मीन पे हैं उसको यूज़ करने के बाद वो कम होता जा रहा, तो जो नेशन से अपना दिमाग हर तरफ लगाया तो देखा कि भाई जब 25% के करीब करीब ज़मीन का हिस्सा है उसमें इतना रिसोर्स है, तो 75% तो ओशियन है, उसमें कितना रिसोर्स होगा। उसके तरफ जब ध्यान गया और देशों के बीच कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तब जो है एक ट्रीटी का जो है ज़रूरत लोगों को, नेशंस को समझ में आने लगा। अब यूएन क्लॉज से पहले जो है बहुत तरह का एडॉक जो है एग्रीमेंट्स जो है और जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो वो बनाया गया यूएन के द्वारा, और जो गवर्नमेंट्स के बीच में कह लीजिए कि एग्रीमेंट है कि हाँ भाई अब जैसे कि मान लीजिए इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो कितना यूज़ कर पाएंगे, इस तरीके का नॉर्मल बातचीत रहा, नॉर्मल एग्रीमेंट रहा जो नेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि उनमें कोहिजन नहीं था, कह लीजिए कि स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा था, और कम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं था, कुछ देशों के बीच है कुछ देशों के बीच नहीं है ये इस टाइप का एग्रीमेंट, तो इसलिए यूएन क्लॉज जो है वो कंसीव किया गया ताकि एक यूनिफाइड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क तैयार हो सके मैरीटाइम अफेयर्स को सुलझाने के लिए, कि सभी लोग इस पे सहमत हो जाएं, सभी लोग इसको माने। तो इसलिए यूएन क्लॉज को जो है वो कह लीजिए कि कंसीव किया गया यूएन के द्वारा, यूएन क्लॉज का स्थापना किया गया। अब यूएन क्लॉज जो है वो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक डिकेड का निगोशिएशन हुआ, यूएन यूनाइटेड नेशंस है उसमें दस साल तक का करीब करीब बहस हुआ है, और फिर जाकर के यूएन क्लॉज जो है वो दिसंबर जो 10 है 1982 में उसको ओपन कर दिया गया सिग्नेचर के लिए कि आइए जो भी कंट्री सहमत हैं वो साइन कीजिए और इसके सिग्नेटरीज बन जाएं। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था मोंटेगो बे जमैका में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, और फिर नवंबर 16, 1914 में जो है वो फोर्स में आ गया, कहने का मतलब लागू कर दिया गया। इस टाइम पे जो इसके मेंबर्स थे, सिग्नेटरीज थे, वो 60 थे, 60 कंट्रीज ने इस टाइम पे साइन किया था 1994 तक। और अभी तक जो भी मैंने इकट्ठा किया, पढ़ लिख के, जो भी चीज़ें मैं न्यूज़ से कहीं से भी पता की है, अब तक जो है कह लीजिए कि 2021 तक जो है यूएन क्लॉज के 168 सिग्नेटरीज हैं, मेंबर्स हैं, मेंबर नेशंस हैं, देश हैं जो यूएन क्लॉज के अधीन आते हैं। और इसी वजह से जो यूएन क्लॉज है, कह लीजिए कि जो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटीज़ हैं दुनिया में उसमें से एक है। ऐसा नहीं कि 10-15 देश ने साइन किया, 168 देशों ने साइन किया है, तो सोचिए कितना बड़ा ये ट्रीटी होगा।
चले अब यूएन क्लॉस के जो इम्पॉर्टेंट जो मेन मेन प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उसको जान लेते हैं। पहला प्रावधान है टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफाइन कर रहा है। यूएन क्लॉस जो है टेरिटोरियल सी को डिफाइन करता है कि किसी भी देश के जो भी कोस्टल स्टेट है, मतलब वैसा देश जो समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, जो भी कोस्टल स्टेट है वहाँ से उसका जो बेस लाइन है कोस्टल स्टेट का जो ज़मीन जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी है समुद्र, जितना भी समुद्र है वो टेरिटोरियल सी कहलाएगा, जिस पे कि उस स्टेट का कंप्लीट सॉवरेंटी, कहने का मतलब वो देश ज़मीन तक ही नहीं ख़त्म हो रहा, ज़मीन से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक में वो ख़त्म हो रहा, कंप्लीट सॉवरेंटी है 12 नॉटिकल्स के आगे, टेरिटोरियल सी के आगे जो है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है ईईजी कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पे जो कह लीजिए कि जो भी कोस्टल स्टेट होगा, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का जहाँ पे लैंड ख़त्म हो रहा है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया का ही कह लीजिए कि समुद्र है, इंडिया वहाँ तक है कह लीजिए, और फिर उसी बेस लाइन से, मतलब वहीं जहाँ ज़मीन ख़त्म हो रहा वहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे इंडिया का के पास स्पेशल राइट्स है कि वो वहाँ खोजबीन कर सकता है और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग हो, जिस भी तरह का, कहने का मतलब अगर कोई मेटल मिल रहा है तो वहाँ मेटल को निकाल सकता है, किसी तरह का मान लीजिए पेट्रोल मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है तो वहाँ पे वो रिफाइनरी वहाँ से वो उसको निकाल सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पे फिशेज हैं उस पर उसका हक है, तो फिशेज और मिनरल्स दोनों पे आकर नॉन लिविंग लिविंग दोनों तरह के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक। दूसरा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। यूएन क्लॉज जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जो साफ़ सुथरा पैसेज, जहाँ मिलिट्री पैसेज नहीं, जो मान लीजिए कि खासकर जो ट्रेड या एक्सप्लोरेशन खोजबीन वाला जो पैसेज है वो टेरिटोरियल सीज से जो है आराम से पास कर सके, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करता है कि कोई भी जो नेविगेट कर रहे हो, इधर उधर से गुजर रहे हों, चाहे वो ट्रेड को लेकर के खोजबीन को लेकर के, वो आज़ाद हों जाने के लिए, ठीक। इसके अलावा ओवरफ्लाइट इन द हाई सीज, कहने का मतलब है कि जहाज़ भी ऊपर से जो हवाई जहाज़ है वो भी गुजारा जा सके, उसको भी आज़ादी दिया जाए, ठीक है। ये जो आर्किपेलागिक स्टेट्स हैं, मतलब वो जो मान लीजिए कोई देश है जो एक बड़ा सा ज़मीन का हिस्सा नहीं बल्कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह हो, वैसे स्टेट को भी हक देता है, उनका भी हक को पहचानता है, ताकि वो अपना सी लेंस को जो है इस्टेब्लिश कर सकें और जो एयर रूट्स है उसको भी इस्टेब्लिश कर सकें कि ये जो एयर स्पेस है हमारा है और ये जो टेरिटोरी, ये जो कह लीजिए कि वाटर है, सी है, ये हमारा, यहाँ से मतलब ये वाटर हमारा है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं कि बड़े देशों को सिर्फ हक दे रहा है और उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर रहा है उनके हकों को, बल्कि छोटे छोटे देशों को भी और जो आर्किपेलागिक जो स्टेट्स हैं उनके भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा जो मेन प्रावधान है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझ लीजिए, देखिए जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उन सबका जो है एक कह लीजिए कि हक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहने का मतलब जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, तो एशिया का जो ज़मीन है वो समुंदर में कहीं ना कहीं एंड हो रहा होगा जा करके, जहाँ पे हमको पानी दिख रहा है उसके अंदर भी जाके एंड हो रहा होगा वो ज़मीन। अब ये कैसे पता करेगा कि कहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो क्राइटेरिया जियोलॉजिकल होता है कि किस टाइप के स्टोन्स पाए जा रहे हैं, किस टाइप का रॉक्स पाया जा रहा है, उस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट जो है कहाँ पे एंड हो रहा है। तो जहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड हो रहा है वहाँ तक, मतलब किसी स्टेट का जो टेरिटोरियल सी है उसके भी आगे तक के ज़मीन पे उस कोस्टल स्टेट का, मतलब कॉन्टिनेंट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक जो कोस्टल स्टेट है उनका हक होता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक कोस्टल स्टेट्स का जो है सॉवरेन राइट्स है, ठीक। और यूएन क्लॉज का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे राइट देना नहीं, उसको रिकॉग्नाइज करना नहीं, बल्कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक है उस, है ना, जियोलॉजिकल क्राइटेरिया के बेस पे इसको डिफाइन करना भी है, ताकि जो भी क्या कहते हैं कि जो भी स्टेट्स हैं कोस्टल स्टेट्स हैं उनको अथॉरिटी हो सके कि कहाँ तक वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कहाँ तक वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। और जो अगला और जो मेन लास्ट कह लीजिए कि हमारा प्रावधान है यूएन क्लॉज का,
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। कहने का मतलब यूएन क्लॉज सिर्फ हक नहीं दे रहा कि भाई जाके रिसोर्सेज यूज़ कर लो लिविंग और नॉन लिविंग, बल्कि वो प्रिंसिपल्स भी इस्टेब्लिश कर रहा है, रूल्स भी इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि कंजर्वेशन हो सके रिसोर्सेज का, इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो लिविंग मेरीन रिसोर्सेज का। कहने का मतलब जैसे कि फिशेज हैं, फिशेज इतना ज़्यादा नहीं मछली मार ली जाए कि भाई वहाँ से मछली ही गायब हो जाए, तो इस तरीके से मछली मारी जाए ताकि मछलियों की आबादी बरकरार रहे। कहने का मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो लिविंग का, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, जीव जंतुएं हैं समुंदर में, जहाँ तक आप किसी देश का हक है वहाँ तक में उसको लगातार मार के यूज़ नहीं कर लेना है, बल्कि उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना है, उतना ही यूज़ करें ताकि अगला जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, इस तरीके का, ठीक है। जिस तो ये एक तरह से कह लीजिए कि ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनको कॉपरेट करने कहता है ताकि जो रीजनल फिशरीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वहाँ पे मछली को मार रही है पाल रही है, वो ओवर फिशिंग ना करे, और जो मरीन इन्वायरमेंट है, चाहे वो पानी को लेकर के हो, है ना, चाहे वो पानी के अंदर जितना भी कचरा है उसको, उसके डंपिंग को लेकर के हो, उन सब को रेगुलेट करता है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि प्रावधान है, हाँ, यूएन क्लॉज के अंदर। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। इससे पहले हम लोग जो है जो प्रावधान पढ़े थे वो हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट का पढ़े थे और कंजर्वेशन का पढ़े थे कि किस तरीके से हमको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि अगले जनरेशन के लिए भी बचा रहे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का यहाँ पर बात आ रहा है, कहने का मतलब ये जो यूएन क्लॉज की ट्रीटी है ये मेरीन पॉल्यूशन को जो है एड्रेस करती है कि किस तरीके से मेरीन पॉल्यूशन को कम किया जाए, और जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनको जो है रोकती है और उनको ये कहती है कि आप जो भी पॉल्यूशन आप कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, चाहे आपके जहाज़ का पॉल्यूशन हो या आपके ज़मीन पे कोई फैक्ट्रीज लग रहा हो उसका पॉल्यूशन हो, या डंपिंग करते हैं आप किसी भी कह लीजिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, उन सब का जो आप हरकत कर रहे हैं उस वो एक प्रिवेंटिव वे में हो, कह लीजिए कि मतलब एक कंट्रोल वे में हो, बहुत ज़्यादा समुद्र को गंदा नहीं कर देने को ठीक ना हो, इस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हो, तो जैसे कि प्लास्टिक है उसको बिना ट्रीट किए हुए नहीं डालें, उनको रिसाइकिल कर लें, जो केमिकल्स हैं चाहे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज से आ रहा हो या जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से आ रहा हो, उन सब के जो कचरे हैं उनको लेस हार्मफुल बना करके तब डंप करें। तो इन सब टाइप के जो कह लीजिए कि पॉल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं उससे इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, जो मेरी इन्वायरमेंट है वो गंदा हो रहा है, सी गंदा हो रहा है, ओशन गंदा हो रहा है, तो उसको भी रोकने का के लिए जो है अलग अलग जो है रूल्स जो है यूएन क्लॉज बनाता है और फॉलो करवाता है, ठीक। तो जो मेरी इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए यूएन जो है पूरा का पूरा खास जोर देता है, ध्यान देता है, खासकर जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम जैसे कि कोरल रीफ्स हैं और जो अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज है, ये सब बहुत जल्दी हल्का सा ही पॉल्यूशन बढ़ जाएगा कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे। कोरल रीफ जो है बहुत खूबसूरत देखने में भी लगता है, एक कह लीजिए कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरल रीफ बहुत पुराना सब भी होता है जो हमको बताता है कि उस टाइम पे किस टाइप का समुंदर का जो प्रोसेसेस रहा होगा वो सब का भी जानकारी देता है। तो कोरल रीफ बहुत ज़्यादा ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम, उसके प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखना यूएन क्लॉज का काम है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अब इतना सब कुछ प्रावधान ला रहा है तो डिस्प्यूट के लिए कैसे नहीं लाएगा। तो यूएन क्लॉज जो है एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम देता है, एक पूरा कह लीजिए कि मतलब सुलझा हुआ काफ़ी कह लीजिए कि सेटिस्फाइंग प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है जो भी नेशंस हैं, एक तरफा नहीं, बायस्ड नहीं, ताकि जो पीसफुल सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट्स का नेशंस के बीच में, जो भी समुद्र या समुद्र के रिसोर्सेज को लेकर के लड़ाई झगड़ा है उसका पीसफुल सेटलमेंट हो सके। और इसके लिए जो है मैकेनिज्म अलग अलग इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज, इटलॉज जिसको कहते हैं, ये जो ट्रिब्यूनल है ये इस चीज़ को ओवरसी करता है किस तरीके से ये डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ तो है ही, जो इन सब डिस्प्यूट्स को पीसफुली देशों के बीच में सॉल्व करवाता है। अब जाने कि यूएन क्लॉज का सिग्निफिकेंस क्या, ऑब्वियसली जो उसका की प्रिंसिपल्स है, जो प्रावधान है जो यूएन क्लॉज का,
अगर वो फॉलो कर लिया जाता है अच्छे से नेशंस के द्वारा, तो यूएन क्लॉज का सिग्निफिकेंस भी वही है। तो पहला क्या हो गया, प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। यूएन क्लॉज का काम यही है कि इंटरनेशनल पीस जो है वो बहाल हो सके, सभी देश जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके बीच जो है मतभेद ना रहे। अब इसके लिए क्या हो, क्लियर रूल्स फॉलो किए जाएँ। तो अब क्लियर रूल्स फॉलो करने से पहले क्लियर रूल्स देता है यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज के रूल्स का, यूएन क्लॉज का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि वो क्लियर रूल्स प्रोवाइड करवाता है ताकि पीसफुल यूज़ हो सके ओशियंस का, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके डिप्लोमेटिक मीन्स के द्वारा, देशों के आपस में ही बातचीत होकर के जो है डिस्प्यूट्स को ख़त्म किए जाएं। इसके अलावा जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मेरी टाइम बाउंड्रीज को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ख़त्म किया जाए। अब जैसे कि चाइना भी जिस चीज़ में अड़ गया है कि भाई पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, उस चीज़ को भी यूएन क्लॉज जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है अगर देश चाहेगा तब। तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, ये एक देशों का समूह है। अब इसमें जो जितना पावरफुल होगा ये समूह उस पर उतना ज़्यादा पाबंदी नहीं लगा सकता, उसको फेवर करेगा। लेकिन ओवरऑल देखिए तो काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो लगभग देशों पर कुछ ना कुछ अंकुश लगा ही देता है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई भी देश अपने में रिसोर्सेज को, जो भी मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, समुद्री रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, सस्टेनेबल यूज़ करेगा ताकि जो भी मेरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्री जो भी रिसोर्स हैं, उसको कंजर्व किया जा सके, अगले जनरेशन भी उसको यूज़ किया जा सके। ओवर फिशिंग को रोकता है, कॉम्बैट करवाता है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को ख़त्म होने से बचाता है। इसके अलावा देशों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन जब करें रिसोर्सेज का, तो एक तो प्रेजेंट का बेनिफिट के लिए तो करें ही करें, बाकी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें कि अगला जनरेशन जो आ रहा है वो भी मछली तो खा पाए। इस तरीके से हम लोग ना मछली को पकड़ लें कि भाई मछली ही गायब हो जाए यहाँ से, और अगला जनरेशन जो आया उसको पता चला कि किनारे से 200-300 किलोमीटर दूर भी उसको मछली नहीं मिल रहा है। ठीक, तो मिल पाए इसके लिए सस्टेनेबल यूज़, जो भी मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, मेरीन रिसोर्स हैं, उसका सस्टेनेबल यूज़ और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है उसको करना होगा। यूएन क्लॉज का ये सिग्निफिकेंस है कि वो ये करवाता है अपने जो भी सिग्नेटरीज हैं, जो भी नेशंस हैं उससे। यूएन क्लॉज का जो अगला सिग्निफिकेंस है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कहने का मतलब जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में जो यूएन क्लॉज है बहुत ही क्रूशियल रोल प्रोवाइड प्ले करता है। किस तरीके से, पॉल्यूशन को एड्रेस करके कि भाई इस टाइप का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नेशंस अलग अलग नेशंस को अपने जो भी सिग्नेटरीज उनको बोलेगा इस वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है समुद्र में, इसको रोकिए, तो पॉल्यूशन को एड्रेस करता है। इसके अलावा जो भी बायोडाइवर्सिटी है जो भी समुद्र के अंदर जिस भी तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो उतने प्रकार के जीव जंतु बचे रहें, उनको प्रिजर्व करता है उनके, ठीक है, तो जीव जंतुओं में जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है, उसको प्रिजर्व करता है। इसके अलावा वो ये स्टेट्स को स्टैंडर्ड जो है सेट करता है कि भाई ये सारे रूल्स अपनाएं, ये इन तरीक़ों से काम करें, इन तरीक़ों से एक्सप्लॉइट करें रिसोर्सेज को, इन तरीक़ों से आप जो है इन रूल्स को फॉलो करें ताकि आपस में डिस्प्यूट्स ना हो। तो एक स्टैंडर्ड सेट करता है अलग अलग स्टेट्स के लिए ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, मरीन एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखा जा सके, जो समुद्री पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखा जा सके। और लीगल सर्टेनिटी तो है कि भाई यूएन क्लॉज जो है एक लीगल सर्टेनिटी देता है कि कौन से स्टेट का कितना पानी है, ठीक है, किस तरीके को मैरीटाइम एक्टिविटीज़ कर सकता है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है, मदद करता है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा क्लियर जो होगा लीगल अथॉरिटी होगा किसी समुद्र के किसी रीजन पे, उतना ज़्यादा जो होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि जब पता ही नहीं कि भाई वो अपने देश का है कि नहीं है, तो कोई भी कंपनी जो है कि अनक्लेम्ड वाटर पे ज़्यादा जाना नहीं चाहेगी क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है बढ़ाता है, एक ओशन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट मीन्स कि ट्रेड की बात कर रहा है ना, उसको भी प्रमोट करता है। अब क्योंकि ये भी एक ट्रीटी ही है ओवरऑल, तो इसके भी चैलेंजेस होंगे, इसके भी क्रिटिसिज्म होंगे, तो उसको पढ़ लेते हैं। यूएन क्लॉज को वाइडली प्रेज किया जाता है, तारीफ किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म हैं। जैसे पहला है नॉन पार्टिसिपेशन। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया है।
कितना चालाक है कि यूएन क्लॉज को साइन ही नहीं किया, ताकि जो वो अपना अपने मुंह में मिट्ठू बनता है जहाँ तहाँ जाकर के क्लेम देते रहता है वाटर जो भी ओशियन रिसोर्स है उस पर, है ना, तो वो इसको साइन ही नहीं किया है ताकि वो आज़ाद रहे। अब क्योंकि अब मान लीजिए कि यूएसए किसी ट्रीटी को साइन नहीं कर रहा है, तो माने रखता है कि वो ट्रीटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो किसी जो यूएन क्लॉज में नॉन पार्टिसिपेशन है यूनाइटेड स्टेट्स और भी बड़े बड़े देशों का, जैसे कि टर्की हो गया, ठीक है, अब इतने बड़े बड़े देशों का जब नॉन पार्टिसिपेशन होगा तो ये इस ट्रीटी के यूनिवर्सैलिटी पे, कहले का मतलब कि पूरे दुनिया में ये लागू हुआ है, इस पे ये सवाल खड़ा करता है। अब क्योंकि इस पे सवाल खड़ा हो तो इसके इफेक्टिवनेस पे भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जब इतने बड़े देश जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अब किस तरीके से जो ग्लोबल इशूज़ हैं समुद्र को लेकर के उसको एड्रेस कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, कहने का मतलब यूएन क्लॉज जो है उसमें जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, वो एक्चुअली में अलग अलग इंटरप्रिटेट किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो पावरफुल नेशन है वो ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, जो थोड़ा दबा कुचला नेशन है, कमज़ोर नेशन है, वो फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब कि जो उनके प्रोविजंस हैं वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी नेशंस हैं उनके आपस में डिस्प्यूट्स हो जा रहे हैं कि इन रूल्स का एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से क्यों किया जा रहा है। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि अमेरिका जो है वो किसी देश के साथ में जो इन रिसोर्सेज के साथ भिड़ जा रहा है, अब क्योंकि अमेरिका सिग्नेटरी नहीं, तो चलिए अमेरिका हटा देते हैं। मान लीजिए जैसे चाइना है, चाइना तो सिग्नेटरी है, साइन किया हुआ है, लेकिन चाइना उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी देश फॉलो कर रहे हैं, तो सवाल तो बाकी देश पूछेगा ना कि भाई इतना, कहने का मतलब जो इसके इंटरप्रिटेशन है, जो भी देश इंटरप्रेट कर रहा है इस यूएन क्लॉज के जो भी प्रावधान है, कुछ देश कम कर रहा है, कुछ देश ज़्यादा क्यों कर रहा है, ठीक है, इसके जितने भी प्रावधान हैं उसको, उनमें से चुने हुए प्रावधानों को वो मान रहा है, बाकी को नहीं मान रहा, कुछ देश सबको मान रहा है, तो इस पे सवाल तो खड़ा होता है कि भाई जो इंटरप्रिटेशन है और जो एप्लीकेशन है यूएन क्लॉज का, वो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से क्यों हो रहा है। तीसरा जो मेजर चैलेंज है वो इन्फोर्समेंट का है, कहने का मतलब यूएन क्लॉज का जो इन्फोर्समेंट है लागू होना है, अब यूएन क्लॉज कोई रूल बनाया है वो लागू होने का मतलब क्या है, कि फरमान जारी कर दिया लागू हो गया, नहीं, बल्कि अलग अलग नेशंस का ग्रुप है, ये ट्रीटी है, अब कोई देश मानना ही नहीं चाहेगा तो यूएन क्लॉज का जो इन्फोर्समेंट है वो कम्प्लीट कैसे हो जाएगा। तो इसलिए इन्फोर्समेंट ऑफ यूएन क्लॉज जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेट्स जितने भी देश हैं उनके कंप्लायंस पे, कि वो देश अधीन होता है कि नहीं, वो मानता है कि नहीं इनके प्रावधानों को, और आपस में कॉपरेट करता है कि नहीं करता है। अगर कोई देश जो है यूएन क्लॉज के किसी प्रावधान को वायलेट करता है, किसी भी कन्वेंशन को वायलेट करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा नतीजों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूएन क्लॉज का जो इफेक्टिवनेस है वो ख़राब होता है, कम होता है। जिस चाइना मान ही नहीं रहा है भाई, ये साउथ चाइना सी को में प्रॉपर जो है डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, मान ही नहीं रहा है, तो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है ना इसका इन्फोर्समेंट, इसलिए इस पर भी सवाल आता है कि भाई इन्फोर्समेंट इसका ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। और जो सबसे आखिरी जो इसका चैलेंज है वो है इमर्जिंग इश्यूज़। यूएन क्लॉज तब अडॉप्ट किया गया था जब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, जो अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि डीप सी माइनिंग और जो क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पैक्ट है, इन दो जो टॉपिक्स जो कि अभी के इश्यूज़ हैं, इससे पहले यूएन क्लॉज बना था, तो इन इश्यूज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इससे रिलेटेड प्रोविजंस लाना यूएन क्लॉज के अंदर अभी ठीक से नहीं हो पाया है, तो ये चैलेंजिंग है। यूएन क्लॉज ज़्यादातर क्या था, रिसोर्सेज पे बेस्ड था, कि भाई मछली कितना मारना, कौन देश कहाँ तक जाके मछली मार सकता है, ये मेन मुद्दा था। अभी क्या है कि डीप सी माइनिंग और क्लाइमेट चेंज का इतना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस बना सकता है यूएन क्लॉज वो उतना अभी कह लीजिए कि फेमस नहीं हो सकता, या फिर कह लीजिए कि उससे रिलेटेड अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रोविजंस ला नहीं पाया यूएन क्लॉज, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है, पुराने पे तो बहुत सारे जो हैं वो रूल्स और नियम पहले से बने हुए हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि जो कंटेम्प्रेरी और जो नए नए इश्यूज अभी के टाइम पे आ रहे हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सके यूएन क्लॉज के अंदर, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो ये जो नए नए
इश्यूज आ रहे हैं, इसमें भी वो यूएन क्लॉज जो है वो फेल कर रहा है, चैलेंजिंग टास्क है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि यूएन क्लॉज का पूरा फंक्शन, यूएन क्लॉज है क्या, क्या करता है, क्या रोल है उसका, इसको आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो, और माफ़ कीजिएगा जो इंटरप्रिटेशन का जो वर्ब फॉर्म है इंटरप्रेट, उसको मैंने कई बार इंटरप्रिटेट कर दिया है, तो उसको समझ लीजिएगा वो इंटरप्रेट है ना कि इंटरप्रिटेट है, ठीक है। और अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ लग रहा हो कि सर यहाँ पे आपने ये टॉपिक जो है वो मिस किया, या आप ये टॉपिक आप इसमें ऐड करके बताइए या अलग वीडियो में बताइए, ये किसी भी तरह का सजेशन या डिमांड हो आपका किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डिमांड्स को और जो भी एरर्स हैं उसको कम करने की, डिमांड्स को पूरे करने की। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।